उसमें सिनर्जी का क्या रोल निकल के आता है ओके सो नाउ स्टार्ट वन बाय वन द फर्स्ट वी आर टेकिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ फार्मुलेशन द फर्स्ट इज सिनर्जी एंड स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन की बेसिकली फॉर्मुलेशन में सिनर्जी का रोल क्या है सो द फर्स्ट इज सीनर्जी एंड शॉर्ट एनालिसिस ओके शॉर्ट एनालिसिस के बारे में आप लोग पहले से जानते हो शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कंपनी की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वीकनेसिस हैं अपॉर्चुनिटीज है और थ्रेड्स है उन सबको एनालिज करने के लिए शॉर्ट एनालिसिस किया जाता है ओके okay? सो so आपका सीनर्जी का क्या क्या रोल होता है शॉर्ट एनालिसिस में वो देखते हैं सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन प्रोसेस इज कंडक्टिंग स्वट एनालिसिस ओके जब कभी भी हम स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन करते हैं तो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन से पहले हम क्या करते हैं स्वट एनालिसिस करते हैं

तभी आपका सॉट एनालिसिस सक्सेसफुल हो सकता है क्योंकि एनालिसिस किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नहीं किया जाता इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इट मीन बेसिकली हम क्या कर रहे हैं एनालिसिस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेके कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है वीकनेसेस क्या है अपॉर्चुनिटीज क्या, क्या है और थर्ड क्या है सो बेसिकली एनालिसिस में आपके हर एक डिपार्टमेंट को इंक्लूड होना पड़ता है हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक वाइटल रोल होता है एनालिसिस में और शॉर्ट एनालिसिस आपका तभी सक्सेसफुल कंडक्ट किया जा सकता है जब आपकी उसमें सिनर्जी हो बेसिकली सिनर्जी के सेंस में होनी चाहिए सिनर्जी होनी चाहिए आपकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए ओके okay? उनके बीच में एक टीम स्प्रेट होनी चाहिए मिल के काम करने की भावना होनी चाहिए जैसे हम बेसिकली कहते हैं तो जब तक आपके सारे डिपार्टमेंट के बीच में सिनर्जी नहीं होगी तब तक आपका शॉर्ट एनालिसिस सक्सेसफुली कंडक्ट नहीं कराया जा सकता इसीलिए हमने बोला है कि यहाँ पे सिनर्जी और स्ट्रेटेजी

मैं पे एक एग्जाम्पल uh, की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा माइक्रोमैक्स का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज ड्यू टू एनर्जी बिटवीन डिपार्टमेंट द कंपनी हैज बीन एबल टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर एंड ओवरकम द वीकनेस ऑफ नॉट बी प्रेफर्ड बाई टेक्स सेवी पीपल ओके जो माइक्रोमैक्स थी उसने बेसिकली क्या करा उसकी जो आपका मार्केटिंग और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था उनके बीच में एक सिनर्जी क्रिएट थी और ऑर्गेनाइजेशन में जब आपके दो डिपार्टमेंट के बीच में एक इनर्जी अटेन की जाती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलता है तो जब उनकी मार्केटिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बीच में ऑपरेशन था तो उन्होंने इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाया कि बेसिकली जो आजकल का कस्टमर है वो डिमांड हाई टेक्नोलॉजी की डिमांड कर रहा है और इसी के थ्रू जब उन्होंने इस बात को एनालाइज कर लिया कि कस्टमर की डिमांड हाई टेक्नोलॉजी को लेकर है तभी माइक्रोमैक्स ने क्या करा अपना न्यू लोगो लॉन्च किया और 15 नए फोन्स लॉन्च किए मार्केट में ताकि वो लोगों की बेसिकली कस्टमर की टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और मार्केट में अच्छा खासा शेयर अटेन कर सके ओके okay? सो so, ये कैसे पॉसिबल हुआ दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ देशन इन टू डिपार्टमेंट्स ओके जब तक आपके डिपार्टमेंट्स में कोर्डिनेशन नहीं होंगे तब तक आपका प्रॉपर एंड सक्सेसफुली स्ट्रेटजी फार्मुलेशन नहीं किया जा सकता ऑल राइट सो मैं आप यहाँ पे सोच रहे होगी कि मैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन सिनर्जी की बात कर रही हूं यहां पे तो एग्जेक्टली exactly हम यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजी के के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन में हम पढ़ते हैं सिनर्जी को या फिर हम सिनर्जी का रोल पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी फार्मुलेशन में तो ऑर्गेना विद इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बात की जाती है और मैंने जब आपको सिनर्जी

The next is synergy and the setting up objectives. If I'm talking about the synergy and setting up objectives. so in the SWOT analysis the management set goals and objectives okay in key result areas जैसे कि like आपके marketing production HR इनके regarding आपका जो goal objective के regarding जो भी set किया जाता है वो आपके SWOT analysis के through किया जाता है कि आपके जो particular functional departments हैं उनके जितने भी goals set किए जाएंगे वो according to the SWOT analysis ही set किए जाएंगे okay to तो टू सेट अचीवेबल गोल्स इट इज रिक्वायर्ड टू हैव सीनर्जी फंक्शन एज आई टोल्ड यू की आपने जो भी गोल सेट किए हैं उसको आप किस तरीके से अचीव करोगे उसको अचीव करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, ही चाहिए होगी सो इन दी नेक्स्ट स्टेप आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इनर्जी एंड दब्जेक्टिव आपका जो भी स्वाट एनालिसिस हमने किया यहाँ पे हम कंपनी की असिस्मेंट की बात करते हैं स्वट एनालिसिस के बाद हम कंपनी के सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स और सेटिंग अप गोल्स के बारे में बात करते हैं बेसिकली जिसमें हमें यह देखना होता है कि हमारे जितने भी फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं हमें उनको के रिगार्डिंग क्या क्या गोल्स सेट करने हैं सो दैट वो उन गोल्स को अचीव कर सके ओके देन हाउ कैन दे हाउ कैन इट अचीव देयर गोल्स सो बेसिकली आपको उनकी गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें क्या चाहिए होगी? की होगी जब तक उनकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होगी, तब तक आपकी किसी भी डिपार्टमेंट के गोल्स को अचीव नहीं किया जा सकता ओके okay, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करती हूँ की बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग अगर कोई विद इन ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से एग्जाम्पल देखने को मिलता है तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है दैट इज हो तो होला शेफ्स क्या था होला शेफ ने कनेक्ट किया था होला शेफ टू कनेक्ट शेफ टू द फूडीज आपके जितने भी शेफ्स हैं उनको फूडीज से कनेक्ट करने का काम होला शेफ कंपनी ने किया ठीक है सो कंपनी ने इसमें क्या किया कंपनी जब उन्होंने अपने शेफ्स को फूडीज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं उनके डिमांड में बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया सो होला शेफ कंपनीज क्या काम करती है होला शेफ कंपनी यही काम करती है कि जितने भी शेफ शेफ्स होते हैं उनको आपके बेसिकली फूडीज के थ्रू कनेक्ट किया जाता है उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आपकी मार्केट में बढ़ती हुई जो डिमांड है आपके रिगार्डिंग आप जो भी आप खाने पीने की चीजें देखते हैं उनके रिगार्डिंग जो आपकी बढ़ती हुई डिमांड है मार्केट में लोग रेस्टोरेंट जाना पसंद करते हैं वेराइटी ऑफ फूड खाना पसंद करते हैं तो उन सारी चीजों के रिगार्डिंग होला शेप ने क्या करा एक इन्वायरमेंट को देखते हुए अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया कि उसको करना है क्या है बेसिकली उनके उस, उनको जो अच्छे अच्छे फेमस शेफ है उनको कस्टमर के साथ कनेक्ट करना है सो so दैट उनकी डिमांड को मीट आउट किया जा सके और इससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ ओके okay? नेक्स्ट इज सिनर्जी एंड द गैप एनालिसिस इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द गैप एनालिसिस, तो बेसिकली गैप एनालिसिस में हम क्या करते हैं हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंपनी की जो डिज़ायर्ड परफॉर्मेंस हमने सेट की थी जो हमारी डिजायर्ड परफॉर्मेंस थी और जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आई है ठीक है जो आपने डिजायर्ड परफॉर्मेंस थी आपकी कंपनी की और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आई है उन दोनों के बीच में कितना गैप है ओके हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस डिजायर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आई है या फिर नहीं आई है और अगर नहीं आई है तो वो उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से तो एक्चुअल परफॉर्मेंस डिजायर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग नहीं है सो बेसिकली गैप एनालिसिस में हम इसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है एंड डिजायर्ड परफॉर्मेंस क्या है सिनर्जी के, के थ्रू हम क्या करते हैं सिनर्जी के थ्रू बेसिकली हम ये जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिनर्जी नहीं होगी तब तक आप गैप एनालिसिस सक्सेसफुली नहीं कर सकते क्योंकि गैप एनालिसिस करने के लिए आपको सारे डिपार्टमेंट का अगेन यहाँ पे जरूरत होती है सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है हर एक डिपार्टमेंट अपनी ऑर्गेनाइज अपने डिपार्ट में इस को एनालाइज करने की कोशिश करता है जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव उसके रिगार्डिंग बनाए गए थे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग उस ऑब्जेक्टि को उसने कितना फुलफिल किया डिजायर परफॉर्मेंस क्या थी एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है सो यहां पे भी आपकी एक सिनर्जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेक्स्ट इज सिनर्जी एंड चॉइस चॉइस यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव

चॉइसेस होती हैं बेसिकली जो आपके पास ऑल्टर अवेलेबल होते हैं तो उन में से भी बेस्ट ऑल्टर करने में सिनर्जी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे जब हम चॉइस की बात करते हैं तो चॉइस में हमें नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं तो यहाँ पे सिनर्जी किसके बीच में होनी चाहिए यहाँ सिनर्जी मेंटेन होनी चाहिए आपके मैनेजमेंट पर्सोनल जो भी है आपके एंड जो आपके डिसीजन मेकर्स हैं ओके okay. उन दोनों के बीच में यहाँ पे सिनर्जी का होना बहुत जरूरी है अगर आपकी मैनेजमेंट पर सोनर डिसीजन मेकर्स के बीच में सिनर्जी नहीं होगी तो वो एक करेक्ट एंड एक्यूरेट डिसीजन नहीं ले पाएंगे ओके okay? उनके बीच में बहुत ज्यादा राइज हो जाएंगे और इसका जो हार्म होगा वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होगा सो so आपको यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी आप ऑल्टरनेटिव में से च्वाइस करते हो तो आपकी सिनर्जी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसके बीच में जो रो इम्पोर्टेंट रोल प्ले बात है इज अ नीड ऑफ तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा डिसीजन ले पाती है जिसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को ही होता है okay? so यहाँ पे हमारा जो फोर्स कंपोनेंट था कि जो बेसिकली हम बोल सकते हैं रोल ऑफ सिनर्जी इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन वो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया and in the next videos we will discuss about the role of synergy in evaluation and role of synergy in implementation thank you have a good day